पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सुभाष चंद्र बोस की जयंती महानगर के कई स्थानों पर मनाई गई। शहर के सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कार्यालय पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सभी लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए काम किया। इस अवसर पर चित्रगुप्त इंटर कॉलेज और महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता सेनानी भवन पर स्वच्छता अभियान चलाया। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं विचार गोष्ठी का आयोजन कर नेताजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा का आयोजन हुआ। स्वयं सेवकों ने स्वतंत्रता सेनानी भवन में स्वच्छता अभियान चलाया। तत्पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में बोलते हुए वक्ता के रूप में डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस माँ भारती के वह सच्चे सपूत थे जिन्होंने विदेश की धरती से भारतीयों को संगठित कर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। नेताजी का कहना था कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए जहां एक तरफ अहिंसक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर अपने सैन्य बल के माध्यम से भी अपनी शक्ति का एहसास कराना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों को भारतीय सैन्य शक्ति के बल का परिचय दिया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद डिम्पल सिंह अश्क ने कहा कि आज का दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने दिनचर्या में देश और समाज को समय देना सीखें। जहां हमारी एक तरफ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है वहीं दूसरी ओर अपने देश के लिए भी हमें अपना समय देना है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वीर सिंह जी ने अध्यक्षता करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि देश में विद्यमान समस्याओं का समाधान केवल युवा पीढ़ी के हाथ में है और ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। युवाओं पर ही हमारे देश का भविष्य टिका है, इसलिए युवाओं को नेताजी से प्रेरणा लेकर कार्य करना है। गोष्ठी में धवल दीक्षित, राजीव ढल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विशेष कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक एवं एनसीसी कैडेट भी उपस्थित रहे। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर चित्रगुप्त कॉलेज और महाराजा अग्रसेन कॉलेज के छात्रों ने यहाँ पर आकर के स्वच्छता अभियान चलाया और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने आदरणीय बोस जी की प्रतिमा पर, नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया, उनको नमन किया। साथ ही आज हमारे जो क्षेत्र के पार्षद हैं श्री डिम्पल जी हमारे अनुरोध पर यहाँ आए और हम उनको एक ज्ञापन दे रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2003 में मुरादाबाद बोर्ड की मीटिंग में यह तय किया गया था कि गृहकर और जलकर से छूट दी जाएगी, लेकिन उसको अभी तक चालू नहीं किया है। तो माननीय पार्षद जी के माध्यम से हम यह चाहते हैं कि यह हमारा संदेश पुनः सदन में रखें, जो एक बार पास हो चुका है नियम उसको लागू करवाएं, हमारी सहायता करें। अभी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी भवन के पदाधिकारियों ने, धवल जी ने और बाकी जो पदाधिकारी हैं, इन सब ने मुझे एक ज्ञापन दिया है और इन लोगों ने उस ज्ञापन के माध्यम से एक मांग उठाई थी और सदन में पास किया गया था 2003 के अंदर कि स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं या उनके पूर्वज हैं, उनकी विधवाएँ हैं, तो उनके निवास पर जो गृहकर और जलकर जो लगता है उसको मुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ है। तो मैं आश्वासन देता हूं इस अवसर पर आज कि इसको मैं माननीय कार्यकारिणी की बैठक में, माननीय सदन में इसको उठाऊंगा और इसको लागू करवाऊंगा ताकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी भवन के पूर्वज इससे जो है वो बच सकें। तो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, धन्यवाद। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई, उनकी 125वीं जयंती है विशेष आजकल खास तौर से। और हम जो ने जो ज्ञापन दिया है हमारे वार्ड मेंबर साहब को, डिम्पल जी को, हमने स्वतंत्रता सेनानियों के हाउ टैक्स और वाटर टैक्स से संबंधित हमने ज्ञापन दिया है जो हमें बोर्ड मीटिंग 2003 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वाटर टैक्स और हाउ टैक्स ख़त्म कर दिया गया था, वो अभी तक वो कानून अभी लागू नहीं किया गया है। तो हमारी इनसे अनुरोध है कि इसे बोर्ड मीटिंग में करा कर दोबारा इसे पास कराएँ और सेनानी परिवारों का ये वाटर टैक्स हाउ टैक्स ख़त्म किया जाए। और हम जो है सुभाष चंद्र बोस जयंती मना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चित्रगुप्त और महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के शिक्षक भी आए हैं
और उनके छात्र भी हैं, वो हम अपने परिवार को भी ये चाहते संदेश देना चाहते हैं परिवारों को देश के इसी तरीके से हम वहाँ महान क्रांतिकारियों की जयंती और पुण्यतिथि मनाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और देश की तरक्की हो। जय हिंद। जवाब आज इस स्वतंत्रता सेनानी सभागार में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके सब लोगों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जो द्वारा दिखाया गया मार्ग है उसके बारे में हमने अपने विद्यार्थियों को यहाँ पर चर्चा की और उनको मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर हमारे साथ हमारे स्थानीय पार्षद सरदार डिंपल सिंह जी, हर्ष धवल दीक्षित जी, राजीव ढल जी, मेरे साथी डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा जी, ये सब लोग भी और इनकी पूरी टीम उपस्थित है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हंसते हंसते इस भारत माँ के चरणों में अपना शीश निभाया, अपना बलिदान दिया, आज उनको याद करने का दिवस है, उनको दिखाए गए मार्ग पर चलने का दिवस है। और मैं अपनी युवा पीढ़ी से यही आह्वान करूँगा कि अधिक से अधिक सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी लें और अपना कुछ समय इस देश समाज की सेवा में भी लगाएं, क्योंकि हमने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो केवल खाने पीने और अपने मनोरंजन के लिए हमने नहीं लिया, हमने इस देश समाज के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के इस दिवस पर मैं नमन करते हुए सभी से निवेदन करूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानकारी लें और उनको